अस्सलाम वालेकुम। हम जब भी किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज आता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में मिनिमम कितनी अमाउंट होनी चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस क्या होना चाहिए, उसकी जो सिक्स मंथ्स की कॉन्टीन्यूटी है वो कितनी होनी चाहिए, अमाउंट ज़्यादा होगी तो हमें वीज़ा मिल जाएगा, कम होगी तो नहीं मिलेगा। ये कुछ ऐसा माइंड सेट है हम सब लोगों का जिसमें हम सब बहुत कन्फ्यूज़ हैं। आज आपसे डिस्कस करूँगा फिनलैंड। अब आप अगर फिनलैंड से अप्लाई करते हैं शेंगेन वीज़े के लिए तो ऑब्वियसली जब आपका वीज़ा लगता है तो 27 कंट्रीज़ में आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो फिनलैंड जैसे कि आप जानते हैं एक नेचुरल ब्यूटी, कल्चरल और बहुत सी वहाँ पर ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जो दुनिया में मानी जाती हैं, जानी जाती हैं। पाकिस्तानी अगर नेशनल्स की बात करें तो उन्हें शॉर्ट स्टे शेंगेन वीज़ा मिलता है फिनलैंड का, और ये जो वीज़ा की वैलिडिटी होती है ये 90 डेज तक की होती है। मीन्स कि 90 डेज का जो स्टे है वो आप कर सकते हैं विद इन 180 डेज। मीन्स कि अगर आपका वीज़ा आज इशू हुआ है तो आपके पास 6 मंथ्स हैं, 180 डेज हैं, और 180 डेज के अंदर जो है आप वहाँ पर 1 मंथ, 2 मंथ्स, मैक्स 3 मंथ्स तक अपना स्टे आप कर सकते हैं एक्सटेंड। उसके लिए आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट मीन्स प्रूफ ऑफ सफिशेंट फंड्स फॉर द स्टे। आपने अपने फंड्स उसको दिखाने हैं अपनी स्टेटमेंट में जो ये प्रूफ कर सके कि भाई आप वहाँ का एकोमोडेशन का एक्सपेंस, अपने फूड का एक्सपेंस, अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आपके जो भी पेट एक्सपेंस है अदर देन शॉपिंग आप वो फुलफिल कर सकते हैं। जितने भी डेज का प्लान है दुनिया में किसी भी कंट्रीज का, आपने उस नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करना है पर डे एक्सपेंस। आप गूगल में जाइए, आप मुख्तलिफ ब्लॉगर्स को देखें, आप मुख्तलिफ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएं, जब भी आप किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप वहाँ से एक आइडिया गेन करें कि पर डे एक्सपेंस क्या है। कुछ कंट्रीज बहुत एक्सपेंसिव हैं वर्ल्ड वाइड, कुछ कम एक्सपेंसिव हैं, तो आप उस कंट्री का पर डे एक्सपेंस को कैलकुलेट करें, एवेल्यूएट करें। जितने भी नंबर ऑफ डेज का आपका स्टे है, हम बात कर रहे हैं फिनलैंड शेंगेन वीज़े की, तो मैं फिनलैंड की बात करूँ तो फिनलैंड का जो एक्सपेंस है वो अराउंड 30 यूरो है, जिस विच इंक्लूड्स योर फूड एंड योर अकोमोडेशन। अब अगर हम 30 यूरोस की बात करें, इसमें हम थोड़ा सारा 10 यूरो ऐड ऑन करते हैं अपनी एडिशनल कॉस्ट, राउंड फिगर करते हैं 50। एक्चुअल में 30 यूरोस एक्सपेंस है पर डे का, अगर आप नॉमिनल सी एक एकोमोडेशन देते हैं सिंगल बेड की और फूड वगैरह का आपका एक्सपेंस है, बट हम इसमें 10 यूरोस को बढ़ा देते हैं। तो ये आपने अपने 40 यूरोस को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डेज के साथ। अब आप अगर 30 डेज के साथ जा रहे हैं तो आपने 30 मल्टीप्लाई बाय 40, और 40 को आपने मल्टीप्लाई करना है हमारा जो कन्वर्जन रेट है आज के डेट की, मगर बात करूँ मई 2024 की तो अराउंड 302 रुपीज़ चल रहा है। तो ये अब जो कैलकुलेशन अगर मैं आपके साथ अगर मैं करूँ, ये मैं कैलकुलेटर से लेके इसी से कह रहा हूँ कि आपने 302 मल्टीप्लाई बाय 30 डेज का आपका ट्रिप है और आपका पर डे एक्सपेंस क्या है, पर डे मैंने आपको जैसे बताया 40 यूरोस, तो ये आपकी जो कॉस्ट बनती है वो बनती है 360,000। आपने अपने वीजा ऑफिसर को इस चीज़ के लिए कन्विंस करना है कि भाई मैं जो वहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ मैं वहाँ के एक्सपेंडिचर्स खुद मीट कर सकता हूँ। तो आप ये जेन में रख लें कि मैंने आपको ये जो 40 यूरोस बताई है बहुत ही बेसिक लेवल के बताए एक्सपेंडिचर्स। अगर मैं आपसे थोड़ी सारी इसमें आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट ऐड करूँ, मुख्तलिफ जो आप म्यूज़ियम की या डिफरेंट ऐसी जो उनकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जो टिकट्स होती हैं, जैसे हम जिस भी कंट्री में जाते हैं कोई ना कोई हमें पासिस बाय करने पड़ते हैं, तो ऑन एवरेज अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपका पर डे का 100 यूरो एक्सपेंस आता है। जो अगर आप 100 यूरोस के अकॉर्डिंगली ऑफिसर को कन्विंस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। मींस कि 40 यूरोस तो आपने मिनिमम अपना एक्सपेंस माइंड में रखना है, मगर इसको आप जितना कोई बढ़ा सकते हैं तो उतना ही आपको उसका प्लस पॉइंट मिलेगा। तो 7 to 8 lakh रुपीस आपके अकाउंट में मिनिमम होना चाहिए। इसको अगर आप मजीद डबल कर लें, आप 2 मिलियन अपने क्लोजिंग बैलेंस रख लें, 3 रख लें, ये सारा आप पर डिपेंड करता है। मगर ऑब्वियसली एक कैलकुलेशन को जानना बड़ा ज़रूरी है कि आप क्लोजिंग बैलेंस तो हम सब लोग जो हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 मिलियन डालते हैं, मगर उससे पहले की कॉन्टीन्यूटी किधर होती है, मतलब हम गलती कहाँ करते हैं। हम गलती यहाँ पर करते हैं कि हम लोग क्लोजिंग बैलेंस, जैसे मैंने फिनलैंड का बताया है कि आपका मतलब कोई अराउंड 4 लाख एक्सपेंस, एक बहुत ही बिलो एक मैं लेवल पर बात करूँ तो आपका एक्सपेंस है, थोड़े बेहतर लेवल पर बात करूँ तो आपका जो है अराउंड लाइक 6-8 lakh रुपीज आपका एक्सपेंस है। अब ये जो बेसिक मैं आपको एक्सपेंडिचर्स बता रहा हूँ, अब आप अपनी क्लोजिंग बैलेंस में 1-1.5 million रखवाते हैं, मगर आपकी 6 मंथ्स की कॉन्टीन्यूटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 मंथ्स आपके अकाउंट में 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है और जब और आखिरी आपने महीने के बाद 2 मिलियन जमा करवा दी, ऐसा नहीं है, पता लग जाता है कि ये सारी के सारी ट्रांजेक्शन फेक है। तो आप जब भी किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, हम बात शेंगेन की कर रहे हैं, फिनलैंड की कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आपकी 6 मंथ्स की कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए। आपका अगर क्लोजिंग बैलेंस 3 मिलियन आपने शो किया हुआ है तो आपकी
एवरी मंथ 4 to 5 lakh रुपीज की आपके बेसिक एक्सपेंडिचर्स जो है वो विड्रॉल्स हो रही हो और आपके एक अकाउंट में एक कॉन्टिन्यूटी से 1 to 1.5 million होना चाहिए, मतलब 6 months 1st January से अगर बात करें, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का जो क्लोजिंग है वो आपका अगर 2 million है तो आपके 1st January में भी आपके अकाउंट में 1 to 1.5 million होना चाहिए और हर महीने आपके 3 to 4 lakh आपके 5 lakhs ऐड हो रहे हो और 2 to 3 lakh रुपए के आपके विड्रॉल्स हो रहे हो। तो आपकी मतलब डिपॉजिट अगर 5 lakh की है तो विड्रॉल्स एक्सपेंस आपके 3 lakh की है, तो आपका 1st January को अगर आपका पड़ा हुआ था 15 lakh तो 6 months तक पर मंथ 2 lakh आपका एड ऑन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जो डिपॉजिट करवा रहे हैं वो 5 lakh के करवा रहे हैं और विड्रॉल्स आप कर रहे हैं 3 lakh के, क्योंकि आपने इंडस्ट्री को ये शो करना है कि आप क्योंकि जनरल एक्सपेंडिचर्स है और जनरल एक्सपेंडिचर्स आपके होंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपने अपनी जहाँ से भी जो भी इनकम शो करनी है, तो इन 6 months में पर आप मंथ 2 lakh रुपीज अपना आपका एड ऑन हो रहा है। फरवरी को आपका 17 lakh हो गया, मार्च को आपका जो है वो 19 lakh हो गया, अप्रैल में आपका 21 lakh हो गया, साथ साथ आपके एक्सपेंडिचर्स जो है वो तो मैं आपको 3-3 lakh रुपीज़ की डिडक्शंस कर रहा हूँ। तो एक कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, एक सिमेट्री होनी चाहिए, पता हो यार कि बंदे के अकाउंट में हर महीने पैसे आ रहे हैं और हर महीने पैसे लग रहे हैं, मगर हर महीने जो पैसे आ रहे हैं उसमें कोई ना कोई सेविंग्स हो रही हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्टेटमेंट की अगर कॉन्टिन्यूटी रखेंगे तो एक जेन्युइननेस नज़र आएगी और जेन्युइननेस जितनी ज़्यादा होगी उतने वीज़ा मिलने के चांसेस ब्राइट होंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता होता है यार कि हमारी 1st March को हमारी वहाँ पर सबमिशन होनी है, तो हम जनाब 25 जो है वो फरवरी को 3 million जमा करा देते हैं और हमारा जनवरी को और हमारा उससे पहले दिसंबर और नवंबर में पता होता है 3-4 lakh रुपए पड़े हुए अकाउंट में। तो ये एक बेसिक सी कैलकुलेशन है। जब कहीं भी किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो जितना भी आपका वो उस पर एक्सपेंस आ रहा है वो अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए एक कॉन्टीन्यूटी से, उसके अलावा भी थोड़ी सारी अमाउंट आपकी एडिशनल हो तो बहुत बेहतर है और एक कॉन्टीन्यूटी के साथ हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।